हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन स्टूडेंट? आई होप के सब फाइन होंगे। आप सब ठीक तो हो ना? तबीयत तो ठीक है ना? ओके। तो माय नेम इज़ फाल्गुनी बारोट। वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी। तो स्टूडेंट, ओपन योर वर्क बुक, पेज नंबर 29 ओपन करो। वहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये चैप्टर तो मैम ने लिखा दिया है, तो मैं आपको खाली बता रहे के लिए आपको मैं चैप्टर ओपन किया है कि हमने अगले वीडियो में चैप्टर 13 सागर हमने आपकी CW में और आपकी वर्कबुक में लिखवाया था। तो आपने ये रीडिंग किया स्टूडेंट? नहीं किया हो तो रीडिंग कर लेना, ओके। फिर उसके बाद में इन्हें कुछ और होमवर्क दिया था जो आपने किया है कि नहीं? क्या दिया था होमवर्क? बारखड़ी, ओके। तो मैंने आपको क से कमल से लेकर ध से धनुष तक, क से ध तक मैंने आपको बारखड़ी लिखने के लिए दी थी। तो आई होप कि आपने अच्छे से रीडिंग कर करके आपने बारखड़ी लिखी होंगी। अगर नहीं लिखी है तो लिख लेना स्टूडेंट, हाँ। फिर आपकी नोटबुक चेकिंग में आएगी तो फिर नोटिस डालनी पड़ेगी और पनिशमेंट भी मिलेगी आपको। तो स्टूडेंट प्लीज़, आप लोग अच्छे से वर्क कीजिए। तो आज हम चैप्टर 14 करते हैं। तो ओपन योर पेज नंबर 3030। तो पेज नंबर 3030 पर करो स्टूडेंट। अब आपको क्या करना है, क्या है पढ़ो। तो क्या लिखा है? पार्ट 14 शब्द लेखन, राइट वर्ड, पढ़ो और समझो। आपको रीड करना है और यहाँ पे देख देख के लिखना है। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखने वाली नहीं हूँ, आपको खुद से ही लिखना है, ओके। मैं आपको रीडिंग करके सुनाती हूँ तो आप ध्यान से सुनिए और साथ में लिखते रहिए, ओके। चलो, गाय, तो COW, काउ। बैल, तो BULLOCK, बुलाक। चूहा, तो RAT, रेट। हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट। हिरन, तो DEER, डियर। घोड़ा, HORSE, हॉर्स। शेर, LION, लायन। गधा, तो DONKEY, डंकी। ऊंट, तो CAMEL, कैमल। स्टूडेंट आप लिख रहे हो ना? फिर बंदर, तो MONKEY, मंकी। बकरी, तो GOAT, गोट। कुत्ता, तो DOG, डॉग। भैंस, तो BUFFALO, बफेलो। भैंसा, तो अही बफेलो। वाघ, तो बाघ, तो TIGER, टाइगर। खरगोश, तो RABBIT, रैबिट। भालू, तो BEAR, बेयर। चीता, तो LEOPARD, लेपर्ड। भेड़िया, तो वुल्फ, WOLF, वुल्फ। लोमड़ी, तो FOX, फॉक्स। भेड़, तो SHEEP,
सीप, तो स्टूडेंट आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों नेम आपको लर्न कर रहे हैं ना, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सामने वाले पेज पर चलो, क्वेश्चन नंबर टू क्या लिखा है, पढ़ो समझो और लिखो। ओके, तो पढ़ते वापस आपको लिखना है ना, मैं आपको रीड करके सुनाती हूँ, आपको रीड भी करना है और लिखना भी है। किसान, तो F A R M E R farmer। सुनार, तो G O L D gold, S M I T H smith goldsmith। धोबी, तो W A S H E R washer, M A N man washer man। नाई, तो B A R B E R barber। हलवाई, तो C O N F E C T I O N E R confectioner। माली, तो गार्डनर, जी ए आर डी ई एन ई आर गार्डनर। बुनकर, तो वेवर, डब्ल्यू ई ए वी ई आर वेवर। राजगीर, तो एम ए एस ओ एन मैसन। दर्जी, तो टी ए आई एल ओ आर टेलर। मोची, तो एस एच ओ ई एम ई ए के ई आर सुमेकर। पंसारी, तो जी आर ओ सी ई आर ग्रोसर। लुहार, तो बी एल ए सी के एस एम आई टी एच ब्लैक स्मिथ। कुम्हार, तो पी ओ डबल टी ई आर पॉटर। सैनिक, तो एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर। डाकिया, तो पी ओ एस टी पोस्ट एम ए एन पोस्टमैन। पुलिस, तो पी ओ एल आई सी ई एम ए एन पुलिस मैन। डॉक्टर, तो डी ओ सी टी ओ आर डॉक्टर। सब्जी वाला, तो वी ई जी ई टी ए बी एल ई वेजिटेबल। वी ई एन डी ओ आर वेंडर वेजिटेबल वेंडर। शिक्षिका, तो एल आई ए डी वाई लेडी टी ई ए सी एच ई आर टीचर लेडी टीचर। ठठेरा, तो कॉपर स्मिथ सी ओ डबल पी ई आर एस एम आई टी एच कॉपर स्मिथ। फिर बढ़ई, तो कारपेंटर सी ए आर पी ई एन टी ई आर कारपेंटर। सपेरा, एस एन ए के ई स्नैक सी एच ए आर एम ई आर स्नैक। चार्मर, घड़ी साज, तो डब्ल्यू ए टी सी एच एम ए के ई आर वॉच मेकर। जो हम घड़ी बनवाने को जाते हैं, मीन्स घड़ी की दुकान होती है ना, वो उसको वॉच मेकर कहते हैं। घड़ी हमको खराब हो गई हो तो हमें रिपेयरिंग कर देता है। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग अच्छी राइटिंग में लिखिए, है ना। अब टर्न योर पेज, पेज नंबर 32। अब पेज नंबर 32 पर आपको स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय कैसे करेंगे स्टूडेंट, कोष्टक में से शब्दों की सही जोड़ी चुनकर प्रत्येक चित्र के सामने लिखो। तो हमें ये लिखो, ये क्या है, सैनिक। तो यहाँ पे लिखा है एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर, यस। तो उसके नीचे देखो ये क्या है, तांगा, क्या कहते हैं इसको, तांगा। तो हम लिखते हैं, आपको मेरे साथ लिखना है, लिखिए स्टूडेंट। पहले ऊपर की लाइन में लिखिए तांगा, तो यहाँ पे नीचे स्पेलिंग लिखिए टी ओ एन जी ए टांगा। यहाँ पे सामने लिखिए स्टूडेंट, ये क्या है, हाथी, तो यहाँ पे लिखिए हाथी। तो हाथी को क्या कहते हैं, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। ये कौन है, जलेबी बना रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम, हलवाई। तो फिर यहाँ पे लिखो सी यू ओ एन एफ
ई सी टी आई ओ एन ई आर कॉन्फिटनर। ओके फिर उसके बाद है ये क्या है नाउ। तो नाउ को क्या कहेंगे इंग्लिश में बी ओ ए टी बॉट। फिर ये क्या है ये तो सबको पता है क्या है ये बंदर एम ओ एन के ई वाई मंकी। फिर उसके नीचे चलो क्या लिखा ये क्या है भालू। तो भालू को इंग्लिश में क्या कहते हैं बी ई ए आर बेयर। ये क्या है ट्रैक्टर सॉरी किसान है ये खेती कर रहा है ना तो इसको कहेंगे हम किसान। तो यहाँ पे लिखो एफ ए आर एम ई आर फार्मर। ओके फिर ये देखो नीचे ये क्या है कुत्ता क्या है कुत्ता तो इसको क्या हम क्या कहेंगे डी ओ जी डॉग। फिर ये क्या है तितली तो बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई बटर फ्लाई। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा चैप्टर 14 वर्कबुक में फिनिश होता है। तो ओपन योर सी डब्ल्यू नोटबुक। तो स्टूडेंट आपने सी डब्ल्यू की नोट ओपन कर ली तो सी डब्ल्यू की नोटबुक में आपको क्या करना है तो अब सी डब्ल्यू की नोटबुक में आपको आज की डेट और डे मेंशन करनी है। तो आज की डेट क्या है स्टूडेंट 15। ओके तो आज की डेट और डे मेंशन करना है। फिर चैप्टर पार्ट 14 शब्द लेखन राइटिंग वर्ड्स आपको ऐसे हेडिंग डालना है। फिर आपको क्या करना है तो यहाँ से वर्ड्स स्टार्ट करने हैं जैसे कि आपने वर्कबुक में वन टाइम लिखे ना वैसे ही आपको वन टाइम आपकी सी डब्ल्यू की नोटबुक में लिखने हैं अच्छी राइटिंग में रीड करने हैं लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। ओके तो यहाँ से लिखने का स्टार्ट कीजिए आपकी सी डब्ल्यू में। ओके तो यहाँ से लेकर फिर सामने वाले पेज पर यहाँ से लेकर पूरे सारे हार्डवर्ड आपको लिखने हैं। ओके ये टू पेज आपको लिखना है पेज नंबर 30 एंड 31। ओके फिर आपको पीछे 32 पेज नंबर 32 भी लिखना है स्वाध्याय का हेरिंग लगाना है। फिर उसके बाद में ये हेरिंग दूसरी डालनी है कि कोष्टक में से शब्दों की सही जोड़ी चुनकर प्रत्येक चित्र में लिखो तो ये आपको ब्रैकेट्स नहीं लिखना है। ओके ये ब्रैकेट्स आपको नहीं लिखना है ओनली ऑन जैसे हमने आगे ऐसे हार्डवर्ड लिखे ना वैसे ही हमको ये सैनिक तो एस ओ एल डी आई ई आर सोल्जर टांगा तो टी ओ एन जी ए टांगा ऐसे आपको लिखना है। तो स्टूडेंट आप लोग होमवर्क लिख लीजिए तो लिखिए वर्कबुक फ्रॉम पेज नंबर 30, 31 एंड 32। ठीक है राइट इन सी डब्ल्यू नोटबुक। आपको ये होमवर्क आपकी सी डब्ल्यू में मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे लिखना है ओनली हार्डवर्ड ही लिखने ओके और लर्न करने हैं। ठीक है तो आप लोग अपनी सी डब्ल्यू में अच्छे से लिख लेना एंड स्टे होम एंड सेव लाइफ। ओके थैंक यू स्टूडेंट।